सहारनपुर के निवासी सगीर की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के बाद सोमवार की सुबह उनका शव सहारनपुर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उनको सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। आपको बता दें कि सहारनपुर के निवासी सगीर की कश्मीर के पुलवामा में 16 अक्टूबर की शाम लगभग 6 बजे आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सोमवार की सुबह 5:30 बजे सगीर का शव एम्बुलेंस से सहारनपुर पहुंचा, जहां पर शव की स्थिति को देखते हुए करीब 10 बजे सगीर के शव को दबने वाले कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। सगीर के जनाजे में लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दी। सुबह ही पुलिस ने पहुंचकर कागजी कार्रवाई पूरी कर ली थी। पहले अब फिलहाल तो नहीं कर रहा है, आओ पहले था देखे चलते चलते कर रहे हैं। हेलो फीट जा रही क्या अभी? मैं फीट तो जा चुकी है ना, आउटपुट है। हाँ लाइव आउटपुट तीनों कृषि कानूनों के विरोध व लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की गिरफ्तारी और मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सहारनपुर के टपरी रेलवे स्टेशन पर किसानों द्वारा ट्रेन रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर धरना दिया, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने विभिन्न मार्गों को जाने वाली ट्रेनों को सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर ही रुकवा दिया, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा खुद टपरी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। और देखो समय समय पे आंदोलन, इस मौसम में भी आपने देखा मौसम कितना खराब था, भारी तादाद में लोग आए, तो किसान को दर्द है कि जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई उसमें जो है मंत्री का बेटा, इस देश की भारत सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उनका लड़का संलिप्त पाया गया, और वो आज भी अपनी कुर्सी पर बरकरार है। सरकार से यही मांग की गई इस आंदोलन के द्वारा आज रेलों को कि उस मंत्री को अपना बर्खास्त करे, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके इस केस की। पिछले 10 महीने से तो कृषि कानूनों को लेकर समय समय पर आंदोलन चली रहे, लेकिन मंत्री अगर सरकार में इन्वॉल्व रहेंगे और उनके पारिवारिक अगर बेटे ऐसी घटना करेंगे तो सरकार के लिए स्वयं ही शर्म की बात है। देखिए आज यहाँ टपरी रेलवे स्टेशन पर जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, और उनको समझा कर हम लोगों ने एक जगह वो लोग एकत्र हैं, और यहाँ पर कोई भी ट्रेन रोके जाने की अभी तक कोई घटना नहीं है। जो भी अभी एक ट्रेन थी सुबह करीब वो 11:45 बजे चेन्नई एक्सप्रेस, वो यहाँ से निकल गई है, और बाकी एक और पैसेंजर ट्रेन है, तो अभी ट्रेन रोके जाने की कोई घटना नहीं है। अब बनस्पत तो हम लोगों ने उनको समझा दिया है, और उन लोग वो लोग भी अपना सहयोग इसमें दे रहे हैं, और अभी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट के भीतर वो शांतिपूर्वक जो है ज्ञापन देकर उनके यहाँ से प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। विभिन्न देशों में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में सोमवार को सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा, जहां पर उन्होंने कहा है कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश के अंदर वहां के मुस्लिम लोगों के द्वारा हिंदू मंदिर और हिंदू समाज के लोगों के ऊपर, उनको वहां से एक तालिबान सोच के आधार पर और वहां से जो पलायन का मामला चला हुआ है, जिसके लिए आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे, और बजरंग दल इस प्रकार की घटनाओं के सख्त विरोध में है और वहाँ के लोगों को आश्वस्त करता है कि पूरे विश्व का हिंदू समाज आपके साथ है, किसी प्रकार की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ये ज्ञापन देने के लिए आए थे ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे और हिंदू समाज का मान सम्मान बरकरार रहे। सहारनपुर नानोता की संतोष विहार कॉलोनी में 24 सितंबर को हुई चोरी की घटना का नानोता पुलिस ने सफल खुलासा किया है।
जिसमें पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले चार अभियुक्त शहजाद उर्फ काला, अंकित, फुरकान उर्फ कटोरी व करमवीर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके पास से पुलिस ने 27,340 रुपये नकद, 2 मोबाइल फ़ोन, 1 लॉकेट, 1 बैग भी बरामद किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला अभ्यास वर्ग दयाचंद जैन इंटर कॉलेज सरसावा में सोमवार को संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन एबीवीपी के विभाग प्रमुख डॉक्टर दिनकर मलिक, विभाग संयोजक वैभव शर्मा, विभाग संगठन मंत्री विनीत ऋषि एवं जिला संयोजक आशु वालिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।